रवि हुआ अस्त जोत के पत्र पर लिखा अमर, रह गया राम रावण का पराजय समर। आज का तीक्ष्ण सर विदित चित्र कर वेग प्रखर, सतसेन संवरण सील नील नव गर्जित स्वर। है अमान शावलता गगन घन अंधकार, खो रहा दिशा का ज्ञान स्तब्ध है पवनचार। अप्रतिहत गरज रहा पीछे अम्बुद विशाल, भूधर जो ध्यान मग्न केवल जलती मसाल। स्थिर राघवेंद्र को हिला रहा फिर संशय, रह रहे जग जीवन में उठता रावण जय भय। जो नहीं हुआ आज तक हृदय रिप दम्भ शांत, एक भी अयुत लक्ष्य में रहा जो दुराकांत। कल लड़ने को हो रहा विकल वह बार बार, असमर्थ मौनता मन उद्यत हो हार हार। असमर्थ मौनता मन उद्यत हो हार हार। कभी भूले से भी यदि नारी सही अपमान की पीड़ा, तभी श्री राम के घोड़े को लव कुश थाम लेते हैं। इंद्र का आयुध पुरुष जो झेल सकता है, सिंह से बाहें मिलाकर खेल सकता है। इंद्र का आयुध पुरुष जो झेल सकता है, सिंह से बाहें मिलाकर खेल सकता है। फूल के आगे वही असहाय हो जाता, सख्त के होते हुए निरुपाय हो जाता। फूल के आगे वही असहाय हो जाता, सख्त के आगे वही निरुपाय हो जाता। बिद्ध हो जाता सहज बंकिम नयन के बाण से, बिद्ध हो जाता सहज बंकिम नयन के बाण से। जीत लेती रूप सी नारी उसे मुस्कान से, जीत लेती रूप सी नारी उसे मुस्कान से। मित्रों, आज का मेरा प्रसंग है कि नव दुर्गा की शुरुआत कहां से हुई। ये जो नवरात्रों पर हम व्रत रखते हैं, इसकी शुरुआत कहां से हुई। मैं आपको रामायण की तरफ ले चलता हूं, जहां राम रावण का युद्ध चल रहा था। पूर्व में बहुत सारे योद्धा आए, कुंभकर्ण मारा गया, मेघनाथ इंद्रजीत मारा गया। पहली बार रावण ने रण में कदम रखा, और रावण के रण में कदम रखते ही रण का क्रम टूटने लगा। रावण का पराक्रम देख राम भी अचंभित रह गए। और पहली बार जब रावण ने युद्ध में कदम रखा, तो राम ने जब वो भीमकाय मूर्ति रण में देखी, सारे समग्र नव को आच्छादित किए हुए केवल रावण की ही धनु की टंकार, उसकी ही ललकार उस रण क्षेत्र में सुनाई पड़ रही थी। फिर देखी भीम मूर्ति आज रण देखी, जो आच्छादित किए हुए सम्मुख समग्र नव को। ज्योतिर्मय अस्त्र सकल बुझ बुझ कर हुए क्षीण, पा महान उस तन में क्षण में हुए लीन। लक्षण का कुल हो गए अतुल बल शेष नयन, फिर सुना हस रहा अट्टाहस रावण खल खल। भावित नयनों से गिरे सजल दो मुक्ता, राम चाह कर भी उसका कुछ नहीं कर पा रहे थे। और जब युद्ध होने के बाद आज राम को पराजय हाथ लगी, और राम सोच रहे थे कि ऐसे योद्धा से विजय पाना अब संभव नहीं है, और काफी निराश थे, हताश थे। और उस समय उन्हें मां सीता के प्रथम प्रणय का दिन याद आ रहा था। और जब सभा एकत्रित हुई, सबने कारण पूछा कि प्रभु आप इतने निराश क्यों हैं, हताश क्यों हैं, तो सूर्यकांत त्रिपाठी जी निराला का एक महाकाव्य है राम की सक्त पूजा। मेरा आपसे अनुरोध है कि अभी कुछ छुट्टियां चल रही हैं, तो इसमें आप उनको जरूर पढ़ें, और आप दो तीन बार पढ़ेंगे तो वो आपको समझ में आ जाएगा। और उनकी स्टार्टिंग ही इस बात से है, रवि हुआ अस्त ज्योत के पत्र पर लिखा अमर, रह गया राम रावण का पराजय समर। रवि हुआ अस्त ज्योत के पत्र पर लिखा अमर, रह गया राम रावण का पराजय समर। आज का तीक्ष्ण सर विदित चित्र कर वेग प्रखर, सतसेन संवरण सील नील नव गर्जित स्वर। विचरित वन्य राजीव नयन हत लक्ष्य बाण, प्रतिपल प्रवर्तित व्यूह भेद कौशल समूह। राक्षस विरुद्ध प्रत्यूह क्रुद्ध कप विषम हूं, लोहित लोचन रावण मद मोचन महीयान। राघव लाघव रावण वारण गत युग्म प्रहर, उद्धृत लंकापत मर्दित कप दल बल विस्तर। अनिमेष राम विश्व दिव्य सरभंग भाव, विद्वांग बद्ध कोदंड रावण प्रहार। दरबार विकल वानर दल बल उचित, सुग्रीवांगर भीषण गवाक्ष गयन। वारित सौमित्र भल्लपत अगणित मंत्र रोध, रजित प्रयाब्द क्षुब्ध हनुमत केवल प्रबोध। लौटे युग दल राक्षस पगतल पृथ्वी तलमल, दिन महोल्लास से बार बार आकाश विकल। चल रही शिविर की ओर स्थित रत यो विभिन्न। तो राम ने कहा कि इस योद्धा को परास्त नहीं किया जा सकता, और
जब सभी ने पूछा, जाम्बवान आदि हनुमत आदि जब सारे इकट्ठा हुए तो उन्होंने पूछा कि प्रभु ऐसा क्या कारण है किसको परास्त नहीं किया जा सकता। राम की दशा को सूर्यकांत त्रिपाठी जी निराला कुछ इस प्रकार से बयां करते हैं कि हे अमान शावलता गगन घन अंधकार, खो रहा दिशा का ज्ञान स्तब्ध है पवन चार, अप्रतिहत गरज रहा पीछे अम्बुज विशाल, भूधर जोधान मग्न केवल जलती मसाल, स्थिर राघवेंद्र को हिला रहा फिर फिर संशय, रह रहे जग जीवन में उठता रावण जय भय, जो नहीं हुआ आज तक हृदय रूप दम्भ शांत, एक भी अयुत लक्ष्य में रहा जो दुराकांत, कल लड़ने को हो रहा विकल वह बार बार, असमर्थ मौनता मन उद्यत हो हार हार, असमर्थ मौनता मन उद्यत हो हार हार। तो भगवान राम ने कहा कि खुद शक्ति इसके साथ युद्ध करती है, आ गई सक्त पा रावण से आमंत्रण, सत शुद्ध बोध सूक्ष्मात सूक्ष्म मन का विवेक, जिनमें है छात्र धर्म का धृत पूर्णाभिषेक, जो हुए प्रजापतियों से संयम से रक्षित, वे सर हो गए आज रण में श्री हत खंडित, देखा है महाशक्त रावण को लिए अंक, लांछन को ले जैसे शशांक नभ में अशंक, हत मंत्र पूत संवृत करती बार बार, विष्फल होते लक्ष्य पर क्षिप्त वार पर वार, विचलित लख कपतल युद्ध को मैं जो जो झक झक झलकती वहन वामा के ज्यों ज्यों, पश्चात देखने लगी मुझे बंद गए हस्त, फिर खिचान धन मुक्त जो बना मैं हुआ त्रस्त। रावण ने शक्ति को आमंत्रित किया और उन्होंने कहा कि शक्ति खुद उसको गोद में लेके युद्ध करती है, और जिसके साथ शक्ति मात्र शक्ति युद्ध करती हो, जिसके साथ मात्र शक्ति हो, उसे ब्रह्मा विष्णु महेश भी मिलकर परास्त नहीं कर सकते। राम ने कहा मैं धनुर आज धरूं और गदा अगर तू तानेगा, तब भी शायद ही रावण कल आतंक हमारा मानेगा। उन्होंने हनुमान से कहा कि आप अगर गदा लें, मैं अपना धनुष धारण करूं और पूरी सेना चले, तब भी कल के युद्ध में शायद ही आतंक रावण हमारा मानेगा। लेकिन कभी कभी अनुभव ज्ञान से आगे निकल जाता है। जामवंत अनुभव के प्रतीक हैं, जैसा कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कहते हैं। तो जामवंत ने कहा कि अगर प्रभु ऐसा है तो रावण तो दुर्गुणों की खान है, आप सद्गुणों की खान है। जब शक्ति रावण का वर्ण कर सकती है तो आप भी शक्ति की मौलिक आराधना करो, कुछ समय के लिए युद्ध रोक दो, और शक्ति का आप आराधन का दृढ़ आराधन से दो उत्तर। आप भी आराधना करो, कुछ समय के लिए युद्ध छोड़ दो, और आप भी शक्ति की मौलिक रूप से आराधना करो। हे पुरुष सिंह तुम भी अशक्त करो धारण, आराधन का दृढ़ आराधन से दो उत्तर। तुम वरो विजय संयत प्राणों से प्राणों पर, रावण असिद्ध होकर भी यद कर सकता त्रस्त, तो निश्चय तुम हो सिद्ध करोगे उसे ध्वस्त। सत्य की करो मौलिक कल्पना, करो पूजन छोड़ दो समर, जब तक न सिद्ध हो रघुनंदन। तो ये 9 दिन तक आराधना चली, उसी वजह से ये नवदुर्गा का पर्व मनाया जाता है। और बीच में माँ दुर्गा ने राम जी की परीक्षा भी लेनी चाहिए और वो पूजा का इंदीवर उठा लेंगे। राम जब 7-8 दिन तक ऊर्ध से ऊर्ध भूमि से, ध्यान की जो ऊर्ध भूमि है उसमें और भी ज्यादा वो आगे चले गए, और जब अंतिम छोर पर जब साधना के वो थे, तब एक इंदीवर का गायब हो जाना ये राम के लिए बड़ी विचलित कर देने वाली बात थी। लेकिन अगर राम नयन खोलते तो उस ऊर्ध भूमि से बिल्कुल नीचे वाले तल पर आ जाते, ध्यान की उस ऊर्ध भूमि से लौटना इतना मुश्किल था। तो राम चूंकि एक युक्ति विशारद भी हैं, उन्होंने युक्ति लगाई कि क्यों ना, मेरी माँ मुझे राजीव नयन कमल नयन कहती थी, क्यों ना मैं अपनी एक आंख अर्पित कर देता हूं माँ की पूजा में और ये पूजा संपन्न हो जाएगी। कहती थी माता मुझे सदा राजीव नयन, दो नील कमल है शेष अभी, शेष चरण पूरा करता हूं देकर मात में एक नयन, कहकर देखा तूरीन ब्रह्म सर रहा झलक, ए लिया हस्त लख लख करता वह महाफलक, ए अस्त्र वाम पर दक्षिण कर दक्षिण लोचन, ले अर्पित करने को हो गए दत्त सुमन, क्षण बन गया वेदने को दृढ़ दृढ़ निश्चय, कांपा ब्रह्मांड हुआ देवी का त्वरित उदय, अब साधु साधक धीर धर्म धन धन्य राम, कह लिया रग भगवती ने राम का हस्त थाम, देखा राम ने सामने श्री दुर्गा भास्वर, वामपद असुर स्कंद पर रहा दक्षिण हर पर, ज्योतिर्मय रूप
हस्त दस विविध अस्त्र सज्जित, मंद स्मृत मुख लख हुई विश्व की श्री लज्जित। है दक्षिण में लक्ष्मी सरस्वती वाम भाग, दक्षिण गणेश कार्तिक बाई रण रंग भाग। मस्तक पर शंकर पद पद्मों पर शब्दावर, श्री राघव हुए पर मंद स्वर वंदन। तो जैसे ही ब्रह्म सर रहा फलक पर, जैसे ही उन्होंने आपकी पुतली पर ब्रह्म सर यानी कि बाण लगाया, वैसे ही दुर्गा माँ ने हाथ उनका पकड़ लिया और प्रकट हो गई, हे पुरुषोत्तम नवीन। और यह कहकर सत्य राम के वदन में हुई लीन। निराला जी के काव्य कौशल में अगर आप नहाएंगे तो आपको लगेगा कि आप क्या सुन रहे हैं, एक दूसरी ही दुनिया में चले जाएंगे। लेकिन हम जिस भारत देश में रहते हैं, जहां पर कहा जाता है यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहां नारियों की पूजा होती है वहां पर देवता निवास करते हैं। विमेन एम्पावरमेंट का उदाहरण पेश करने वाला इससे बड़ा देश कोई हो नहीं सकता, इससे बड़ी संस्कृति कोई हो नहीं सकती। इंद्र का आयुध पुरुष जो झेल सकता है, सिंह से बाहें मिलाकर खेल सकता है। इंद्र का आयुध पुरुष जो झेल सकता है, सिंह से बाहें मिलाकर खेल सकता है। फूल के आगे वही असहाय हो जाता, सत्य के होते हुए निरुपाय हो जाता। फूल के आगे वही असहाय हो जाता, सत्य के आगे वही निरुपाय हो जाता। बिद्ध हो जाता सहज बंकिम नयन के बाण से, बिद्ध हो जाता सहज बंकिम नयन के बाण से। जीत लेती रूप सी नारी उसे मुस्कान से, जीत लेती रूप सी नारी उसे मुस्कान से। मात्र जाति का यही मूक वरदान, नयनों से न जाने क्या अमृत पिला देती हैं। दृष्टि मात्र से भर देती झंकार रुधिर में, बुझती हुई शिखा को देकर स्नेह जला देती है। और मात्र जाति का जब जब अपमान हुआ है, तब तब भगवान को भी पराजय का सामना करना पड़ा है। जिस रामायण की लड़ाई को राम ने शक्ति की उपासना करके रावण को परास्त किया, वहीं जब मात्र सीता की उन्होंने अपमान किया, अवहेलना की, तो वही राम थे जिनका विजयरथ दो बच्चों ने थाम लिया। कभी भूले से भी यदि नारी सही अपमान की पीड़ा, तभी श्री राम के घोड़े को लव कुश थाम लेते हैं। उनके बच्चों ने घोड़े को थाम लिया, उनका जो अश्वमेघ यज्ञ का विजय रथ था उसको वहीं थाम लिया। हनुमान जी को परास्त करके बांध लिया, इतने बड़े बड़े सैनिकों को लक्ष्मण जी को बांध लिया। और अगर राम भी उनसे युद्ध लड़ते तो शायद वो राम को भी पराजित कर देते। तो कभी भूले से भी यदि नारी सहे अपमान की पीड़ा, तभी श्री राम के घोड़े को लव कुश थाम लेते। कौरव कितने भी बड़े शक्तिशाली थे, लेकिन द्रौपदी की अवमानना अपमान उन्होंने किया तो उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा। और आपने ब्रज की भूमि में तो देखा होगा, चरण जाके चापे गिरधारी, उनकी ले लई शरण नाम जिनको राधा रानी। अनंत कोट ब्रह्मांड नायक भी राधा रानी के पैरों में ही सुख लेते हैं, उनको उनके चरणों में ही सुख मिलता है। नवरात्रों के मौके पर मातृशक्ति का कभी अपमान न हो, और जब जब मातृशक्ति का अपमान हुआ है तब भगवान ही उतर के क्यों ना आ जाए, उनको हार का मुंह देखना पड़ा है। और हमारे ब्रज में तो हमारी सखियां ब्रह्मांड के नायक को कोई छोटे छोटे अनसब्सटेंटिव काम के लिए बुलाती है। लटोल जी सुलझादार मोहन, हाथ मेरे मेहंदी लगी है। लटोल जी सुलझादार मोहन, हाथ मेरे मेहंदी लगी। उस ब्रह्मांड के नायक भगवान श्री कृष्ण को गोपियां कहती है, लट मेरी उलझी हुई है, जरा सुलझा जा, क्योंकि मेरे हाथों में मेहंदी लगी है। भगवान को इतने अनसब्सटेंटिव काम के लिए याद करते हैं। और ब्रज में तो भगवान भी ऐसा है जैसे कि बिल्कुल ही पड़ोस में हो, तुरंत बुलाने से चला आता है। तो मेरा मातृ जाति को नमन, और आप सभी से निवेदन कि इस नव दुर्गा में जो व्रत में संयम का पाठ रखें, मानसिक रूप से इकट्ठा रहें, एकजुट रहें, और इस संकट की घड़ी में मेरी माँ से प्रार्थना कि हमें पार करें, और जहाँ तक है हम इस लड़ाई को भी जीत लेंगे। धन्यवाद।